चल निकल यहाँ से। अरे क्यों भाई? अबे साले अपनी शक्ल देखिए, गोल खेलने चला है। ओहो वाइट है वाइट, सड़ी हुई टोपी, फटा हुआ स्वेटर, 70 साल का बुड्ढा, सफेद मूछें, चल भाग यहाँ से। ए, बड़े बुजुर्ग से कैसे बात करते हैं, इतना भी समझ नहीं है तुम्हें? चल फूट साले। फिर गांधी जी, मैं कौन हूँ तो नहीं जानता अभी। तू कोई भी हो, मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, चल निकल यहाँ से, निकल। अरे कृष्णा चल बेटा, चलते देर हो रही है, बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए, ऐसा बुजुर्गों का कहना है। चल, ए बुढ़ाऊ कौन है ये बच्चा? छोड़ना। अरे भाई आपका बॉडी गार्ड है क्या? भाई आपको देखकर ही डर लग रहा है, पहले ही कहना चाहिए था ना भाई। भाई नमस्ते भाई। कृष्णा मेरी बात सुन। कृष्णा कृष्णा चल, तो एक मरेली बॉडी का, एक मरेला बॉडी गार्ड। चल ना कृष्णा, चल यहाँ से, चल चल जल्दी। यू ही कहाँ चल दिए भाई, आओ ना कुछ देर खेलते हैं। जाओ मैं अकेला ही खेलता हूँ। अपाजी आप पूरी तरह पसीना पसीना हो गए, नहाकर फ्रेश हो जाइए। हाँ शैम्पू वही रखा है, साबुन वही रखा है, सभी वही है, जो चाहिए वो लगाकर अच्छी तरह से नहा कर आइए, जल्दी आइए। ठीक है ठीक है। तूने जिनका अपमान किया वो कहां बसते हैं पता है? यहां हमारे भगवान है वो, उनके सामने खड़े रहने की हैसियत भी नहीं है तेरी, और ऐसे इंसान पर तूने हाथ उठाया, तेरी की हुई इस बड़ी गलती के लिए ये एक छोटी सजा है। जल्दी नहा लिया, बहुत फास्ट है आप, अच्छी तरह से सर पोंछिए नहीं तो सर्दी हो जाएगी। क्यों हाथ या पैर? हाथ पैर, मैं समझा नहीं। उसके पास गए थे ना, उसका हाथ तोड़ा या पैर तोड़ा? अरे अप्पा जी मैं कहां गया, कब से मैं यही तो खड़ा हूं। तेरी आदत मैं नहीं जानता क्या, सच बता। अप्पा जी जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, आपकी शक करने की बीमारी भी बढ़ती जा रही है। इंसान को इंसान पर भरोसा करना चाहिए, और आप है कि मानते नहीं, मेरी कसम मैं सच कह रहा हूं। अच्छा हां देखा, छोड़ अब बता। अरे आप मुझे हमेशा इसी तरह फंसा देते हैं। आप पर कोई हाथ उठाए और मैं चुप रहूं, ऐसा हो सकता है कि अप्पा जी अब वो किसी पर हाथ उठा नहीं पाएगा, मैंने उसका वो हाल किया है। यजमान जी अधिक वर्षा होने के कारण सीतापुर की पूरी बस्ती डूब गई है, उस गांव के लोगों को वो रामचंद्र बचाकर सबको यहाँ से ले जा रहा है। मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं भी सारी तैयारियां करके उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। उतरो उतरो हनुमान, तुम बच्चों को संभाल कर लिया जल्दी। ठीक है मालिक। ए सब लोग उतरो रे, चलो चलो। ओए, रुक जाओ, गाय भैंसों की तरह कहाँ घुसे आ रहे हो तुम लोग? ये मंदिर हमारे दादाजी ने बनवाया था, तुम जैसे गिरे हुए लोगों को अंदर छोड़कर इस मंदिर को मैं अपवित्र नहीं होने दूंगा। भगवान किसी मंदिर में नहीं, लोगों के दिलों में बसते हैं। भक्तों के अंदर आने से मंदिर अपवित्र होता है, ऐसा कहना भगवान को कलंकित करने वाली बात है। बिना कारण बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, सीधी तरह यहाँ से वापस चले जाओ। हम यहाँ से वापस जाने के लिए नहीं आए हैं। अगर तुम लोग नहीं गए तो तुम लोगों का सर काटकर भगवान के चरणों में हम बलि चढ़ा देंगे। नीलकंठ आसपास के सभी गांव में छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों से पूछकर बताओ, वो तुम्हें बताएंगे।
कि रामचंद्र कौन है और उसके सिद्धांत क्या है। ध्यान से सुन, अगर कुछ करने से 10 लोगों का भला होता है तो मैं अपना सर कटवा भी सकता हूँ और दूसरों का सर काट भी सकता हूँ। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो हट जा मेरे रास्ते से। हम कोई बालों में गजरा लगाकर और हाथों में चूड़ियां पहनकर नहीं खड़े हैं। खत्म कर दो सबको। हमारे रास्ते में मत आ, इसी में तेरी भलाई है, नहीं तो तेरा सर धड़ से अलग करके तेरी लाश से गुजरना होगा। अरे देख क्या रहे हो, सबको जाने दो। सब लोग अंदर आ जाओ। अरे संभल के बेटा, संभल के। सुनो, इस लड़के का माँ बाप कौन है? मालिक, मेरे माँ बाप कोई भी नहीं है। ठीक है ठीक है, आओ मैं हूं ना, आओ चल चल आराम से आराम। ये क्या यजमान जी, भगवान के प्रसाद में आप विष मिला रहे हैं? ज्वालामुखी की आग ठंडी पड़ सकती है आचार्य जी, परंतु मेरे दिल की आग अभी दहक रही है। किंतु ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा? उसने मेरा अपमान किया है, मैं इस विष से उसके प्राण लूंगा। ए, जाकर पकड़ो उसे। चलो रे। खोलिए खोलिए, कोई तो दरवाजा खोलिए खोलिए। मालिक, आराम से परोसो। सुनिए रामचंद्र जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। सुनिए मालिक, इस प्रसाद में विष है, मत खाइए। हनुमान, उस घर में आग लगी है, जल्दी बुझाओ जल्दी। अरे सुनो, वहाँ आग लगी है, जल्दी से पानी लेकर आओ जल्दी। अरे रे यजमान जी, अब क्या होगा यजमान जी? अरे तुम चुप रहोगे कि नहीं? जल्दी जल्दी लेकर आओ, कुर्सी रखो। हाँ बेटा, ला पानी लो बेटा। बेटा जब तुम अंदर थे तो बाहर से कुंडी किसने लगाई थी? वो नीलकंठ और पुजारी ने आपको जो प्रसाद दिया उसमें विष मिलाया है। ये बात मैं कहीं आपको बताना दूं सोचकर उन्होंने मुझे घर में बंद कर दिया था। इन्हें लेकर जाइए इंस्पेक्टर, बाद में थाने में आकर रिपोर्ट लिखवाता हूँ। साहब जी, इन्हें बड़ी से बड़ी सजा दीजिए। देवता समान हमारे मालिक और बच्चों को मारने की कोशिश की है इन्होंने। मुझे किसी ने मारने की कोशिश नहीं की, मैंने खुद अंदर से आग लगाई थी। तुमने खुद लगाई? लेकिन क्यों? आप दोनों को विष पीने से कैसे रोकूं समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? आपने ही तो कहा था ना मालिक, अगर कुछ करने से 10 लोगों का भला होता है तो अपनी जान गंवाने में कोई बुराई नहीं है। आप तो इस गाँव के देवता है, इसीलिए मैंने सोचा आपके लिए अगर इस अनाथ की जान भी जाती है तो अपना सौभाग्य समझूंगा। ऐसी बात नहीं करते बेटा, तुम अनाथ हो ऐसा क्यों सोचते हो? हम है ना बेटा। ए जी, हम इसे अपने घर लेकर जाए क्या? ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? कृष्णा। जानकी, अपनी माँ चामुंडेश्वरी की मन्नत पूरी करने का समय आज आया है, ये मुकुट कैसा लगा? बहुत ही सुंदर है जी। हाँ, और ये किसने बनाया पता है? हमारे कृष्णा ने, हमारी देवी माँ भी देखकर खुश हो जाएगी। पिताजी कितना सुंदर मुकुट है ना? है ना? दामाद जी कहाँ है बेटी? अरे मैं तैयार हूँ ससुर जी, बस ये लुंगी ठीक से जरा मैं बांध लूँ। लुंगी बांधने से क्या होता है, दिमाग भी सही होना चाहिए। ए, तोते मियां, अपना मुंह बंद रखना, अगर कोई सुन लेगा तो सुनने देना, मैं डरता हूँ क्या? क्या बड़बड़ा रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं मालिक, जाओ हमारे साली जी तैयार हो तो उन्हें जल्दी बुलाओ। हाँ हाँ, मैं अभी बुलाता हूँ। ससुर जी, पुलिस की सिक्योरिटी के बिना इतना कीमती मुकुट इस तरह ले जाना ठीक होगा क्या? दामाद जी, हमारे राधे को आपने क्या समझ रखा है, वो किसी सेना से कम नहीं है, उसके होते हुए किसी पुलिस बंदोबस्त की जरूरत नहीं है। आप हमारा अपमान कर रहे हैं,
पर उसके प्रतीक होने वाले धर्मराज परमेश्वर के सामने ये कृष्णा किसना पिसना ऐसा कहकर हमारे वंश की मान मर्यादा को आप ठेस पहुंचा रहे हैं समधी जी। भाई साहब, आप छोटी मोटी बातों को खींचकर बड़ा क्यों कर रहे हैं? अब क्या है, ये लीजिए, इसे आप ही संभालिए, मुझे कोई एतराज नहीं। ठीक है। कृष्णा कहाँ है भाई? वो जॉगिंग और जंपिंग करने के बाद सीधा मंदिर में पहुंच जाएगा बोला था। मतलब लेट ही आएगा? अगर वो लेट भी आया तो आकर बहुत बड़ा तीर मारेगा क्या? तीर नहीं, शेर मारेगा वो। ए, ये क्या कर रहे हो? कौन हो तुम लोग और हमसे चाहते क्या हो? क्या कर रहे हो आप लोग? ए, मैं कौन हूँ तुझे पता है क्या? सर 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 भाई साहब, अरे भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। अरे भाई साहब रुकिए, अरे वो कृपा कर रहे हैं। अरे क्या कर रहे हैं आप? सुनो भाई साहब, देखा सर जी, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि पुलिस सिक्योरिटी का बंदोबस्त कीजिए, आपने मेरी बात नहीं मानी, अब देखा क्या हुआ? अब क्या करें समधी जी? Hey, कौन है तू? 300 साल से हमारे देशवासियों का खून चूसकर, हमारी संस्कृति का विनाश करके, हमारे सुख चैन में आग लगाकर, अंधा दरबार चलाकर हम पर अत्याचार करते रहे ये कमीने फिरंगी लोग। इन कमीनों के फेंके हुए टुकड़े उठाकर अपनी माँ और भारत माता से गद्दारी करने वाले तो जैसे मादरजात जब जब पैदा होते रहेंगे। तुम लोगों का सीना चीर कर लहू बहाकर इस देश की रक्षा करने के लिए मुझ जैसा कृष्णा तब तब इस धरती पर जन्म लेता रहेगा। देख, मेरी माँ चामुंडेश्वरी की मूर्ति को अलंकृत करने वाला एक पवित्र मुकुट है ये। शराफत से कह रहा हूँ, उसे मेरे हवाले करके अपनी जान बचा ले तू, नहीं तो फिर माता मेरे शरीर में प्रवेश करेगी और मैं तेरा नामो निशान मिटा कर रख दूंगा। मेरा नामो निशान मिटा कर रख देने के लिए मैं कोई तेरी तरह स्मॉल ब्लैक बॉय नहीं हूँ। पत्थर पत्थर खिलाकर पालता हूँ मेरे पट्टों को, निचोड़ कर रख देंगे तुझे, चकना चूर करके रख देंगे तुझे, समझा तू? चकना चूर करने के लिए मैं कोई बन पाओ जाम पिज्जा बर्गर या अमूल का दूध पीकर बड़ा नहीं हुआ हूँ। शेरनी का दूध पिया हूँ, एक पक्का देसी आदमी हूँ, किसान का बेटा हूँ। मुझे मत सुना, मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूँ, अगर मैं इसे यहाँ बेचूंगा तो ये मुकुट कुछ ही कौड़ियों के दाम में बिकेगा बस। लेकिन मेरे फिरंगी दोस्त करोड़ों करोड़ों रुपए देकर जाएंगे, ये मेरे लिए अच्छा ऑफर है। मेरा धंधा मत बिगाड़, नहीं तो तू अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। चुपचाप दफा हो जा। चुपचाप दफा होने के लिए तुम जिसे उठाकर लाए हो वो हमारे घर की कोई चीज नहीं है, वो हमारी माँ है, इस देश की शान है, इस देश की जागीर है, इस देश की इज्जत है, इस देश का वजूद है, इस देश का स्वाभिमान है, इस देश की ताकत है। इस देश की हर एक माँ अपने बच्चे को एक पाठ पढ़ाकर रखती है, प्यार के आगे अपना सर झुकाना और अन्याय के खिलाफ सर उठाना, ये प्यार की भाषा तू नहीं समझेगा बेटा। आजा, तेरे इन फिरंगियों में दम है या तेरी और उनकी दोस्ती में दम है, या पत्थर खाकर फौलादी कहलाने वाले तेरे इन पट्टों में दम है, या फिर अपने देश की खातिर अपनी जान निछावर करने वाले इस चामुंडेश्वरी माता के सच्चे भक्त के जिगर में दम है, इसका आज फैसला करके रहूंगा।
यजमान जी आइए, देवी माँ को इनका चढ़ावा अर्पण कीजिए। कृष्णा, चोरी हुए मुकुट को बड़ी मेहनत से वापस लेकर आए, तुम ही इसे देवी माँ को अर्पण करो। लो। मैं? लो बेटा, लो बेटा, लो। तुझे रस्सी की क्या जरूरत है, इतनी अच्छी तरह से पकड़ के जो रखा है। ए, तू? अरे कहाँ है वो चोर, धर्मराज के होते हुए यहाँ चोर? भैया, विष्णु भैया, जल्दी से रस्सी लेकर आइए। ए, रस्सी की बात क्या कर रहा, उसे छोड़। भैया मेरी बात मानिए, रस्सी लेकर आइए। कृष्णा, मेरी बात सुन, उसे सीधी तरह से छोड़ दे। पहले रस्सी लेकर आइए भैया, तब तक मैं इस चोर को नहीं छोड़ूंगा। हे भगवान, मेरे घर में चोरी करने आया। कस्तूरी बेटा, कस्तूरी बेटी, कस्तूरी। अरे बाप रे, धन तेरी की। एक जमींदार की वंश की लड़की को एक नौकर छूता है, इसका मतलब क्या है? इसे दबोचने का मतलब क्या है? चोर चोर कहकर चिल्लाने का मतलब क्या है? बस कीजिए, आप ये सब किसे कह रहे हैं? आधी रात को घर में घुसकर भूत की तरह बदन पर गिरकर चोरों की तरह नाटक करेगी तो मैं क्या करूंगा, ऊपर से नींद में था मैं। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? भगवान के लिए आप मुझे मत सिखाइए, सिखाना है तो पहले अपनी बेटी को सिखाइए। दिन ब दिन तुम्हारी जुबान लंबी होती जा रही है इस घर में। जरा पास आइए, आपको ज्यादा इस घर में होशियारी झाड़ने लगे हैं, कहीं दाना पानी ना उठ जाए, संभाल कर रहिए। ये एक है बेशरम कहीं की। छे कस्तूरी, ये क्या बेटा, पढ़ने के लिए तुम्हें दिल्ली भेजा तो तुम अचानक बिना बताए वापस चली आई। आपकी बहुत याद आ रही थी नाना जी, नानी माँ की भी बहुत याद आ रही थी, माँ पिताजी की भी याद आ रही थी, और दादाजी की तो इतनी याद आ रही थी कि मैं बता ही नहीं सकती। बेकार की बातें मत करो, तुम अभी बच्ची नहीं हो, पढ़ लिख कर काबिल बनोगी, इसीलिए हॉस्टल भेजा और ये यहाँ वापस आ गई। दामाद जी, जब हम यहाँ हैं तो इतनी दूर भेजकर पढ़ाने की क्या जरूरत है, इसके पढ़ने का प्रबंध यहीं कीजिए। नहीं ससुर जी। थैंक यू दादाजी। चलो। देखा तूने पखिया, मेरी पोती मुझसे कितना प्यार करती है, वो मेरे लिए अपना कॉलेज ही छोड़कर आ गई। पगली। अबे बेवकूफ बुड्ढे, वो हमारे कृष्णा के प्यार की वजह से यहाँ आई है, और ये सब जाने बिना ही अपनी ही लाल कर रहा है तू। ये चेक्स। भाई साहब, अपने इस पूरे देश में एक ही ताजमहल है, एक ही कुतुब मीनार है, एक ही अमिताभ बच्चन है, और एक ही जमींदार बोले तो वो सिर्फ मैं हूँ। जान से मार दूंगा, हवा नहीं दे। अरे चाचा जी, कुछ भी मत कहिए, उसे चेक्स नहीं चेक कहते हैं। अपा जी, मंडी वाले ने पेमेंट कर दिया है, 10,000 मैंने लिए हैं। ये सब मुझे मत बताया करो, कितनी बार बोला है ना तुम्हें? आपको बताए बिना मैंने कभी कोई काम किया है क्या? घर का नौकर जब 10,000 मांग सकता है तो मुझ जैसे जमींदार को कितना मांगना चाहिए। अच्छा अपा जी, मैं चलता हूँ, मुझे काम है। ए, ध्यान देना। भाई साहब, हमारे जेब खर्च के लिए कुछ 1,00,000 रुपए दीजिए। 1,00,000 रुपए? वो किस लिए? हमें जरूरत पड़ती है, हमारे अभिमानी यहाँ आते हैं, उन्हें दान धर्म करना पड़ता है, भीख भी देनी पड़ती है। आपसे मिलने कोई नहीं आना चाहिए, आए तो भी आपको सलाम नहीं करना चाहिए, ऐसा कृष्णा ने रूल बनाया है। ठीक है, फिर 10,000 रुपए दीजिए। 10,000 रुपए किस लिए? हमें ये मूछ मेंटेन करनी पड़ती है, इसे चमेली का तेल ही लगाते हैं हम। आपके मूछों के लिए कृष्णा ने 2 बोतल मिट्टी का तेल मंगाया है, वो आप मूछों को लगाइए, कहीं और भी लगाइए, मुझे क्या? साला मेरा खाना खराब करने पे तुला हुआ है। ठीक है, फिर 1,000 रुपए दीजिए। 1,000 रुपए किस लिए? मैं हाई लेवल का दम मारता हूँ, तुझे पता नहीं है क्या? दम नहीं रहा और दम मारने की बात कर रहे हैं, खास करके आपके लिए कृष्णा ने हाई लेवल की बीड़ी मंगाई है, उसे इस्तेमाल कीजिए ना। बाद में तुझे देखता हूँ,
ठीक है, मुझे 100 रुपए दीजिए। 100 रुपए किस लिए? ए, चुप हो जा, क्यों सर खा रहा है तू? 100 रुपए में बात पक्की होगी। ये लीजिए। ये क्या जमींदार साहब, 1 लाख रुपए से 100 रुपए पर आ गए? इस जमींदार के लिए 100 रुपए भी लाखों के बराबर है। रुक साले। अरे ये क्या, उसने मुझे आंख मारी। मेरे जैसा ना कोई है हीरो, हर लड़की कहे मुझे बना अपना जोरू। क्यों प्यारी, कुछ हिसाब लगा रही हो क्या? क्या हुआ, कुछ मैं मदद करूं क्या? क्या हुआ, 20 गिनने तक अगर हम नहीं आते तो कुएं में कूद कर तुम आत्महत्या करती। अरे अगर 20 गिनने तक मैं नहीं आता तो तू कुएं में कूद कर आत्महत्या कर लेती ना, मैं सही वक्त पर पहुंच गया ना, है ना? 19 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
रखकर भी तेरी खुजली अभी तक नहीं गई है? तू तेरी जात का थूकना तो तेरे मुंह पर चाहिए था। अरे भाई कृष्णा, जल्दी से मुझे यहाँ से निकाल। अरे भाई मुझे भी, तू चुप है। सबको निकालता हूँ। कृष्णा उन्हें बाहर मत निकालो, और दो लोगों को मैं अंदर फेंकूंगी तो पानी ऊपर आ जाएगा। पानी ऐसे कैसे ऊपर आएगा? तुम्ही ने तो मुझे कहानी सुनाई थी ना, लोटे में पानी कम होता है इसलिए एक कौवा उसमें पत्थर डाल डाल कर पानी को ऊपर तक ले आता है, ऐसा तुम्ही ने तो कहा था ना। इसलिए मैं ना इन्हें अंदर फेंक फेंक कर कुएं का पानी ऊपर आएगा सोचकर इंतजार कर रही हूँ। देखो कृष्णा, तुम्हारा उद्देश्य क्या है सीधी तरह बता दो। वो लड़की हम लोगों से खिलवाड़ कर रही थी और तुम खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। हाँ ओए, अगर उसकी इतनी चिंता है तो अपने सर पर लेकर घूम। लोगों को परेशान करने के लिए खुला क्यों छोड़ा है? इनसे बात करने का कोई मतलब नहीं, पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन करते हैं, वो इन्हें ले जाकर पागल खाने में भर्ती कर देंगे। सही कह रहे हैं पुजारी जी। ए, किसी के पास फोन है? फोन सर, दो, सर, फोन दो। ऐसा मत कीजिए सर, फोन दो, सर फोन। गलती मेरी है सर, आज के बाद मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। अगर आप नाराज है तो मुझे सजा दीजिए सर। अगर आप में दया माया है तो वो उस बेचारी लड़की पर दिखाइए सर। सर उसे अपनी बहन की तरह समझिए सर, उसे अपनी बेटी की तरह समझिए सर, उसे माफ कर दीजिए सर। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, उसे माफ कर दीजिए। अरे एक मर्द होकर इस तरह गिड़गिड़ाते हुए शर्म नहीं आती? चलो चलते हैं, इस बार छोड़ देते हैं। अरे चलो, जाने दो, चलो चलते हैं, चलो चलिए। क्या परेशानी है? हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरी वजह से आप लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। ये क्या, आप हर महीने पगार तो अच्छी तरह लेते हैं, तो फिर इंदू को अकेले छोड़कर कहाँ चले गए थे? वो क्या है कि इंदू जी की दवाई लाने के लिए ये बाहर डॉक्टर के पास गई थी, और मेरी बेटी सब्जी लाने के लिए, और मुझे भी आने में थोड़ी देर हो गई। अब ये सब छोड़ दीजिए, आइंदा से अकेला छोड़कर मत जाइए। ठीक है, ये लीजिए घर का भाड़ा और डॉक्टर की फीस, सब हिसाब क्लियर कर दीजिए। और एक बात का ख्याल रखिए, मैंने सिर्फ आपको इस लड़की को संभालने के लिए नहीं रखा है, मैंने अपनी जिंदगी आपके हवाले की है। अप्पा जी मारिए मारिए मारिए। हा 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 हा, आइए 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 अप्पा जी, बहुत सही मारा है देखिए। अरे ये बाज नहीं आने वाला है। क्या बात है, क्या शॉट मारा अप्पा जी, बहुत सही शॉट था, बहुत अच्छा लगा। हाथ या पैर को? क्या हाथ पैर? मेरा मतलब बॉल को हाथ से ढकेला या पैर से? आप कहना क्या चाहते हैं? आपको लग रहा हूँ मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? भलाई का जमाना ही नहीं रहा, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ और आप है कि मुझे ही दोष दे रहे। आप अकेले खेलिए। ए कृष्णा। हाँ। अरे भाई इसमें नाराज होने की क्या बात है? मैं ऐसा ही हूँ, अब आप अकेले खेलिए। ठीक है जाओ, मैं अकेला ही खेल लूंगा। ए, चल निकल यहाँ से। अरे क्यों भाई? अबे साले अपनी शक्ल देखिए, गोल खेलने चला है। ओह वाइट है वाइट, सड़ी हुई टोपी, फटा हुआ स्वेटर, 70 साल का बुड्ढा, सफेद मूछें, चल भाग यहाँ से।
ए, बड़े बुजुर्ग से कैसे बात करते हैं, इतना भी समझ नहीं है तुम्हें? चल फूट साले। फिर गाली दी? मैं कौन हूँ तू नहीं जानता अभी? तू कोई भी हो, मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। चल निकल यहाँ से, निकल। अरे कृष्णा चल बेटा, चलते देर हो रही है, बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए, ऐसा बुजुर्गों का कहना है। चल, ए बुढ़ाओ, कौन है ये बच्चा? छोड़ना। अरे भाई आपका बॉडी गार्ड है क्या? भाई आपको देखकर ही डर लग रहा है, पहले ही कहना चाहिए था ना। भाई भाई नमस्ते भाई। कृष्णा मेरी बात सुन। कृष्णा कृष्णा चल, तो एक मरेली बॉडी का, एक मरेला बॉडी का। चल निकल। ए चल ना कृष्णा, चल यहाँ से, चल चल जल्दी। ए यूं ही कहाँ चल दिए भाई, आओ ना कुछ देर खेलते हैं। जाओ मैं अकेला ही खेलता हूँ। कुछ भी महसूस नहीं हो रहा पकिया। अब तू तेरी जात का मर्दों की तरह जोरदार दबा, बाजा बजाने की तरह हाथ क्या चला रहा है, दबा। चल हट बीच में से, मुझे अंदर काम है। हट जाऊंगी लेकिन बस एक बार और मुंगड़ा निकालोगे क्या? और एक बार मुंगड़े को तेरे कपड़े में डाल दे, अब की बार मैं शायद नहीं लगाऊंगा। खुजली का पत्ता पूरे बदन में मल दूंगा, फिर तेरी अकल ठिकाने आएगी। चल रास्ता छोड़। फटे हुए कपड़े पहनकर सेंट वगैरह मारकर सामने आकर खड़ी हो गई। इस घर में मर्द लोग लुंगी को ऊपर उठाकर बांधने के लिए शर्माते हैं और ये मिटी गिटी पहनकर रंग प्रदर्शन कर रही है। तुम जैसी लड़कियों से नाता जुड़ गया तो लड़के लोग हे भगवान करके सीधा ऊपर निकल जाएंगे। अपाजी आप पूरी तरह पसीना पसीना हो गए, नहाकर फ्रेश हो जाइए। हाँ शैम्पू वही रखा है, साबुन वही रखा है, सभी वही है, जो चाहिए वो लगाकर अच्छी तरह से नहाकर आइए, जल्दी आइए। ठीक है ठीक है। तूने जिनका अपमान किया वो कहां बसते हैं पता है? यहां हमारे भगवान है वो, उनके सामने खड़े रहने की हैसियत भी नहीं है तेरी, और ऐसे इंसान पर तूने हाथ उठाया, तेरी की हुई इस बड़ी गलती के लिए ये एक छोटी सजा है। जल्दी नहा लिया, बहुत फास्ट है आप, अच्छी तरह से सर पोछिए नहीं तो सर्दी हो जाएगी। क्यों हाथ या पैर? हाथ पैर, मैं समझा नहीं। उसके पास गए थे ना, उसका हाथ तोड़ा या पैर तोड़ा? अरे अप्पा जी मैं कहां गया, कब से मैं यही तो खड़ा हूं। तेरी आदत मैं नहीं जानता क्या, सच बता। अप्पा जी जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, आपकी शक करने की बीमारी भी बढ़ती जा रही है। इंसान को इंसान पर भरोसा करना चाहिए, और आप है कि मानते नहीं, मेरी कसम मैं सच कह रहा हूं। अच्छा हां देखा, छोड़ अब बता। अरे आप मुझे हमेशा इसी तरह फंसा देते हैं। आप पर कोई हाथ उठाए और मैं चुप रहूं, ऐसा हो सकता है कि अप्पा जी अब वो किसी पर हाथ उठा नहीं पाएगा, मैंने उसका वो हाल किया है। अब छोड़िए अभी, वो आपके रास्ते में कभी नहीं आएगा। सारे रिपोर्ट नॉर्मल बता रहे हैं, फिर भी पेशेंट की हालत क्यों नहीं सुधर रही है पता नहीं। उसे किस तरह की चोट लगी है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाइलक आप केरला से आए हैं, एक बार चेक कर लीजिए डॉक्टर। रिपोर्ट्स एक्सरे रिपोर्ट, डैम इट ईसीजी, ओह शिट, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, व्हाट हैपेंड डॉक्टर? कम ऑन डैम इट, आई वांट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। वही है
क्या हुआ डॉक्टर, क्या हुआ आपको? नरसिंहा, कृष्णा, मतलब ऐसे केस आप पहले भी हैंडल कर चुके हैं? बहुत से हैंडल किए हैं, उसके मार से अब तक 25 लोग मर चुके हैं और अब भी एक आदमी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। वो सब कौन थे डॉक्टर? भाई साहब के लोग। आई एम सॉरी, उनके बचने की उम्मीद बहुत कम है, ये मैंने पहले ही कहा था। वीर सिंह थोड़े तंदुरुस्त इंसान थे इसीलिए इतने दिनों तक झेल गए। उस कृष्णा के मार से अब तक कोई नहीं बच पाया। आई एम सॉरी, अब बॉडी लेकर जा सकते हैं आप। सिंह भी मर गया भाई। अब आपको बाहर ही आना पड़ेगा भाई, मैंने सारा इंतजाम करके रखा है, बस आप हाँ कहिए मैं आपको यहां से आजाद कर दूंगा। आप समझ नहीं रहे भाई, भाई साहब का नाम सुनते ही जो लोग थर थर कांपते थे वो आज हमें कुत्ते से बदतर नजर से देख रहे हैं भाई। भाई आपको बाहर आना ही पड़ेगा, बस हाँ आपको बाहर आना ही होगा। क्यों क्यों नहीं आना है? अब लड़ने का दिल नहीं करता या जेल में आने से आपकी मर्दानगी चली गई? यही सब सवाल लोग कर रहे हैं। मुझे वो कृष्णा सामने खड़ा चाहिए, पहले उसे ढूंढो, उसके बाद मैं बाहर आऊंगा। ये बेड़ियां, ये सलाखें वगैरह मेरी मर्जी के बगैर मुझे नहीं रोक सकती। जाकर उसे ढूंढो, बाद में मैं आऊंगा, ये सबको बता दो। जाओ। बारिश को भी अभी आना था। ए, इंदु कहाँ है? अपने कमरे में होगी। पक्का अपने कमरे में ही है ना? क्यों बाबा? देखो ना, बारिश हो रही है, ऐसे वक्त वो बाहर चली गई तो हमारा काम भी चला जाएगा। चलो चलो अंदर चलते हैं। हाँ बाबा, वैसे चलो, बारिश चलो। उसे भी पसंद है। इंदु, इंदु, इंदु कहाँ हो बेटी? इंदु, इंदु, ए, 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 अरे बारिश हो रही है, रुक जा बेटी, दरवाजा खोलो बेटी, इंदु, दरवाजा खोलो, उषा, रानी, मुन्नी, पिंटू, जल्दी आओ, जल्दी आओ, बारिश में भीगते हैं, जल्दी आओ। ए, इतनी बड़ी हो गई है, बारिश में खेल रही है, शर्म नहीं आती तुझे? बारिश में खेलने से क्या होता है? हाँ तुझे तो कुछ नहीं होगा, तेरे आगे पीछे कोई नहीं है, अनाथ है तू, तेरी मौत पर कोई नहीं रोएगा। लेकिन हमारे बच्चे अनाथ नहीं है, वो बीमार हो गए तो तू उन्हें संभालेगी क्या? ए घर चल, अगर दोबारा तू यहाँ खेलने आई ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी, चल। क्या हुआ बेटा, ऐसे बारिश में भीग क्यों रही हो? हाँ क्योंकि मेरे माँ बाबा नहीं है। अरे पगली, अगर माँ बाबा होते तो ऐसे बारिश में भीगने के लिए, भागने के लिए, ऐसे खेलने के लिए घर के बाहर छोड़ते क्या? ए, झूठ बोलते हो तुम, मुझे माँ बाबा चाहिए, 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 मुझे माँ बाबा चाहिए। इंदु मैं भी आ रहा हूँ, रुको। अरे वाह वाह वाह, क्यों मेम साहब साड़ी गहने पहनकर आज बड़ा चमक रही है, क्या बात है? नानी की अलमारी से मुझे ये सब कुछ मिला, सोचा पहनकर देखूं कैसा दिखता है। सुंदरी कैसी लग रही हूँ मैं?
आपको किसी की नजर ना लग जाए। पापा जी वैसे ही बैठे रहिए, साक्षात भगवान लग रहे हैं आप। माँ थोड़ा बाई तरफ खिसक जाओ। बकिया तू भी थोड़ा बाई तरफ आ जा। हाँ ठीक है कृष्णा। फिल्मों में खींचते हैं ना फोटो, ऑल इन फैमिली, वैसे मस्त खींचूंगा। एक मिनट रुको भाई। क्या हुआ? सेंट मारने दो। जमींदार जी सेंट फोटो में दिखता है क्या? जरूरत थी क्या भाई साहब? वो आपकी मुझे कभी झुकनी नहीं चाहिए, ऐसे मस्त कड़क रहनी चाहिए। कृष्णा तू कृष्णा। देखा माँ तुम तो बहुत ही सुंदर लग रही हो माँ। ए सुंदरी कहाँ है तेरी मैम साहब, लेकर आओ उसे। सिर्फ सजना सवरना ही आता है, बड़े लोग इंतजार कर रहे हैं यहाँ। नाना जी मैं कैसी लग रही हूँ नाना जी? हे, वस्त्र आभूषण वगैरह पहनने के लिए तुम्हें किसने कहा था? ये क्या माँ? मैंने पहले ही कहा था इन चीजों को घर में मत रखो। आज आखिरी बार कह रहा हूँ, ये सब बाहर फेंक दो या फिर जला दो। कस्तूरी 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 कस्तूरी, मैंने ऐसी क्या गलती की? नाना जी ने इस तरह क्यों चिल्लाया मुझ पर? क्योंकि ये वस्त्र आभूषण सब तेरी मौसी के हैं बेटी। मौसी का मतलब माँ के अलावा आपकी एक और बेटी है क्या? हाँ बेटी। अब वो कहाँ है? मेरी नजरों से बहुत दूर है और आंसुओं के बहुत ही करीब है। तेरी मौसी तेरे नाना जी की जिंदगी थी, हमेशा उनके साथ रहकर उनके साथ खेलते खेलते वो दुनिया ही भुला देते थे। एक अच्छा सा रिश्ता देखकर उन्होंने उसकी शादी भी तय की थी, लेकिन उसे ये शादी पसंद नहीं थी। वो जिस लड़के से प्यार करती थी उसके साथ भागने चली थी। तब उन्हें रोकने के लिए हम दोनों वहां चले गए। ससुर जी ससुर जी। पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। सुनिए जी आइए घर चलते हैं। किसके घर पर? आखिर हुआ क्या है? ये बात जाने बगैर मुझ पर हाथ उठाते हैं? दिमाग खराब हो गया है इनका, मुझ पर हाथ उठाते हैं? ये जी ऐसी बात नहीं है। सरस्वती शट अप। या तो तुम मेरी पत्नी बनकर रहोगी या इस आदमी की बेटी बनकर, तुम फैसला कर लो। अरे सुनिए पिताजी। सुनो सुनो ए जी वो हमें छोड़कर जा रही है। उस दिन से तेरी मौसी हमेशा के लिए हमसे दूर हो गई। तेरे नाना जी का अपनी बेटी के प्रति सारा प्यार पूरी तरह नफरत में बदल गया। अपनी बेटी को बिना देखे अपनी ममता को अपने दिल में दबाकर इस तरह रोज आंसू बहाकर दिन बिता रही हो बेटी। नानी अब वो कहां पर है? उस दिन वो हमें छोड़कर केरला चले गए। पिछले साल किसी भी तरह उन्हें अपने साथ लेकर ही आऊंगा कहकर कृष्णा वहां गया था। उन्हें लेकर आ रहा हूं कहकर फोन भी किया था, लेकिन पता नहीं क्यों खाली हाथ अकेला ही वो वापस आ गया। तू भी नामा बच्चों की तरह रोती है। वो बहुत बड़े डॉक्टर है, हमारी तरह खाली बैठे हैं क्या? बहुत जरूरी काम से अमेरिका गए हैं, आजकल में आ ही जाएंगे। देखती रहो, एक दिन अचानक बिना बताए झट से सामने आ जाएंगे और ये घर खुशियों से झूम उठेगा। वो आएंगे ना कृष्णा? पक्का आएंगे माँ। सच में आएंगे ना? सच में आएंगे माँ। मेरी कसम खाकर कहो। अरे अरे माँ वो खाओ ना, अब खाओ कृष्णा। नानी आप फिक्र मत करो, कृष्णा कह रहा है ना मतलब वो 100% यहाँ पर आएंगे। करेक्ट, अभी चलते हैं। आओ ना। यहाँ नहीं आएंगे तो और कहाँ जाएंगे? आएंगे, बिजी है ना, उन्हें भी तो अपने लोगों से मिलने की इच्छा हो रही होगी। पक्का आएंगे माँ। वो कभी आने वाले नहीं है ये जानते हुए भी, और कितने दिन तक इस तरह झूठ बोलोगे कृष्णा? पकिया इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम सिर्फ दो ही है, एक तो सच कहना और दूसरा कोई अगर सच कहता है तो उसे सुनकर बर्दाश्त करना। मुझ में तो सच बोलने की ताकत है,
लेकिन उसे सुनकर बर्दाश्त करने की ताकत उनमें नहीं है। इस तरह तुम कितने दिन तक दुख झेलोगे? यह सब ऊपर वाला ही जाने। अरे ए, अब तुझे क्या हुआ मेरी माँ? ए, 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 चिपकली, वो मैंने अप्पा जी को जूस बनाकर देने के लिए लाया है। हाँ जानती हूँ, नानी जी की खातिर इसे लेकर जा रही हूँ जूस बनाने के लिए। मर गया। एक जवान लड़की का दिमाग जगह पर नहीं रहता तो सुना था, लेकिन इसके तो कमर भी जगह पर नहीं रहती यार। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल तेरी। बापरे, ये क्या कल से जुल्म पे जुल्म ढाती जा रही है? आखिर बात क्या है? हाँ तुम तो जानते ही हो, जब से तुमने वो मुंगड़ा निकाला है ना, पता है तुम्हें छेड़े बिना रहा ही नहीं जा रहा। मुंगड़ा मुंगड़ा कहकर तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम छेड़खानी कर रही हो एक बारूद से, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आज के बाद मेरी कमर से कभी टकराने की जरूरत मत करना। सुप, सुप। हम सीधे इंसान नहीं है। लगता है कमर सरक गई यार। हे भगवान। जवानी का नशा जब चढ़े, मन ये मचलता रहे। अब कैसा लग रहा है? जाने तो अपनी घर की लड़की है सोचकर छोड़ दिया तो फिर से मुझे धक्का मारने आ गई। हाँ हेलो, तुझसे कह रहा हूँ मैं, ध्यान से सुन। हमसे पीछे से चाल चलकर हमारा कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। जो भी करना है सामने से कर, फेस टू फेस। हाँ मार मार, हाथ पैर मार, संभल कर, कहीं अंदर मुंगड़ा ना चला जाए। बच्चों की तरह नाटक करती है। ऊपर का खाना खाली है क्या? हाँ अप्पा जी, क्या है तुम लोगों का झगड़ा? देखिए ना अप्पा जी, कल से कोई काम करने जाता हूँ तो बीच में आती है, इस तरह धक्का मारती है। ऐसे धक्का मारा और क्या अप्पा जी? क्यों बेटा? इसकी वजह से मैं ठीक से कोई काम नहीं कर पा रहा था तो हाँ। सोचा कि इसे एक छोटा सा ट्रीटमेंट दे दूं। मेरा भी दिल करता है कि मैं आपका काम करूं। बोलिए गलत है क्या? मुझे रोकने वाला ये कौन होता है? ए, ऐसी बात मत कर। अप्पा जी के काम है, मुझे किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं है। उसके राइट सिर्फ मेरे पास है। ये कृष्णा का हक है, ये कृष्णा का फर्ज है। हे कृष्णा, अरे आप जाने भी दे, आज एक दिन उसे कर लेने दे ना। ओहो, आप भी उसकी तरफदारी कर रहे हैं क्या? करवाइए करवाइए, अच्छी तरह करवाइए सेवा वगैरह। आखिर वो आपकी नवासी जो है, वो प्यार वो लगाव मिटने वाला कहाँ है? अब बेकार में हम यहाँ क्यों पड़े हैं? हम जा रहे हैं घर छोड़कर। तू सच में बुरा मान गया? और नहीं तो क्या पाजी, मुझे आने रहना, हटिए, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। इधर आ, चल सेवा करेंगे। कुछ भी हो, नौकर नौकर ही होता है और रिश्ता रिश्ता ही होता है आजकल की दुनिया। कृष्णा क्या हुआ? क्या कहूँ माँ, सब हो गया, सब खत्म हो गया। नाना नवासी दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा काम छीन लिया, अब मैं इस घर से जा रहा हूँ। देखिए अप्पा जी, समय समय पर खाना खाइए, खाना खाते ही बीपी की टैबलेट्स लीजिए, जॉगिंग वॉकिंग रनिंग कुछ भी करके आराम से रहिए। ये सब तो मुझे क्यों बता रहा है? तेरी की, पता नहीं मैं भी इन्हें क्यों कह रहा हूँ। मैं आपको भला क्यों कहूंगा? मुझे अकल नहीं है क्या? मैं पागल हूँ क्या? है ना आपकी लाड़ी नवासी कस्तूरी, अब उसी की बात सुनिए। मुझे आप भी नहीं चाहिए, आपका काम ही नहीं चाहिए। कृष्णा, एक मिनट भी नहीं रुकने वाला। कृष्णा, सब लोग सुन लीजिए, वो भगवान भी आकर अगर मुझे बुलाएगा तब भी जान जाने तक, नहीं नहीं, शाम होने तक मैं इस घर में ना ही वापस लौटूंगा और ना ही देखूंगा। जा रहा हूँ। तब तक तू मुझे देखे बिना नहीं रह पाएगा बेटा। क्या है बेटी? नानी, आज से नाना जी का सब काम मैं ही करूंगी। कृष्णा को काम से निकाल दीजिए। क्या कृष्णा को काम से निकालने के लिए कह रही है? मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ नानी जी। तो फिर कैसा कह रही हो नानी? आपके होते हुए नाना जी कोई काम करें तो अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। माँ के होते हुए पिताजी काम करें तो अच्छा लगेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह मेरे होते हुए कृष्णा काम करे तो अच्छा लगेगा क्या? हाँ? तू सच कह रही है? इसका मतलब पी 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 पी। मैं इस शादी के लिए अनुमति नहीं दूंगा। उस कृष्णा के पास क्या है? वो आपकी संपत्ति का हिस्सेदार है, या उसके नाम पर कोई जमीन जायदाद है, या फिर आप लोग के किसी भी व्यवहार में उसका कोई अधिकार है? विश्वनाथ, मैं बात करूं? किसी को भी बात करने की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद बात करूंगा। वो कोई वीर है, शूर है, या कोई रणधीर है? वो कोई भगवान का बेटा है, रिश्तेदार का बेटा है, या इस घर का चिराग है? ऐसा प्रश्न कर रहे हैं ये जमींदार जी। कितनी सही बात कही आपने जमींदार जी। जो ख्याल मेरे दिमाग में नहीं आया वो आपके दिमाग में कैसे आ गया? शाबाश। कल ही मैं कृष्णा को गोद ले रहा हूं। यस।
ये क्या अप्पा जी, गोद दत्तक वगैरह लेने की नई बात शुरू कर दी। इतने दिन जो नहीं था अब उसकी जरूरत है क्या? अगले हफ्ते श्री कृष्ण जी की यात्रा करूंगा ऐसी मैंने कसम खाई है, और उस दिन बेटे को भी साथ लेकर आऊंगा कहा था। वो सब ठीक है अप्पा जी, लेकिन इतनी जल्दबाजी करने से 10 लोग 10 तरह की बातें नहीं करेंगे क्या? इसीलिए उन 10 लोगों का मुंह बंद करने के लिए ऐसा मैंने फैसला किया है। आप कुछ भी कहिए अप्पा जी, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर जाने दे, जाने दे। अगर तुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो छोड़ दे, अगर तेरा मन नहीं है तो मेरे जबरदस्ती करने से क्या फायदा? बस मेरी आंखें बंद होने के बाद तुम्हारे हाथों से मेरी चिता को आग मिले, इसलिए मैंने यह सब प्रबंध किया था। मेरे मरने के बाद भगवान के लिए अपने मरने की बात मत कीजिए अप्पा जी, आपका जो दिल करे कीजिए। लेकिन एक बात जान लीजिए, आपके प्रति मेरी सेवा और मेरे प्रति आपका जो प्यार है वो आप किसी और को नहीं देंगे। अप्पा जी नमस्कार राम जी। हो नमस्कार, आइए आइए। ये क्या अचानक से दत्तक लेने का कार्यक्रम रख दिया? ये मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, और सच कहें तो अगर हमारे समधी जी ने मुझे याद नहीं दिलाया होता तो शायद मेरे दिमाग में ये बात कभी नहीं आती। फिर भी एक नौकर को ये कोई नौकर नहीं है, मेरी जान है। मैंने इसे भले ही जन्म नहीं दिया लेकिन मेरे बेटे से बढ़कर है। मेरा हर शब्द इसके लिए वेद वाक्य से बढ़कर है। मतलब राम जी के लिए हनुमान की तरह? नहीं, दशरथ के लिए श्री रामचंद्र जी की तरह। क्या इतना भी बड़ा महान व्यक्ति नहीं है ससुर जी? दामाद जी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ये कितना विश्वासघाती इंसान है ये आप खुद ही देखिए। ए, इधर आ। कृष्णा, छोड़ो। क्या हुआ बेटा, ये सब क्या है? मैं नहीं गाऊंगी कहाँ, तो मुझे मार पीट कर यहाँ जबरदस्ती ले आए। किसी पागल को मार पीट कर नहीं तो क्या, उसकी आरती उतार कर बैंड बाजे के साथ ले आएंगे? बहुत अच्छी बात है ससुर जी, आपके सामने आपके दामाद को एक नौकर लात मारता है और आप ये देखकर चुपचाप खड़े हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है। भला इन्हें क्यों दुख होगा, मार खाई है तुमने, इन्होंने तो नहीं ना। इस जतमान मर्यादा छोड़कर इस घर में घर जमाई बनकर आया है, इतना सब हो जाने के बाद इस घर की छत के नीचे अब हम 1 मिनट भी नहीं रोकेंगे, चलो यहाँ से। बोलिए पिताजी, हम ये घर छोड़कर चले जाएं या आप इसे घर से बाहर निकालेंगे, आप ही फैसला कीजिए। चाहे इसने गलती की हो, चाहे इसने हमारा सर झुकाया हो, मेरा कृष्णा यहीं पर रहेगा, और जो कोई यहां से जाना चाहता है बिना किसी परेशानी के यहां से जा सकता है। हफ्ते में एक बार बिना बताए जाते थे इसी के घर क्या? हाँ। जो पैसे लेकर जाते थे वो इसी के लिए क्या? हाँ। एक ही बार उसे जितना चाहिए उतना देकर भिजवा दो, समझ गए? अप्पा जी बोलो। एक बार वो मुझे छोड़ने के लिए राजी भी हो लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ सकता। इन घरेलू झगड़ों में हम भला क्यों पड़े, चलो चलते हैं। हाँ चलते हैं। कृष्णा मेरी बात सुनो, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, उसे छोड़ दो। मतलब वो तुम्हारे लिए मुझसे बढ़कर है? ऐसा मत कहिए अप्पा जी, आप मेरे भगवान हैं। तो फिर जिद क्यों कर रहा है, छोड़ क्यों नहीं देता उसे? नहीं हो सकता अप्पा जी।
बहुत बड़े इंसान हो तुम, बहुत इज्जत रखी है तुमने मेरी। तुम्हारे लिए मैं अपनी सगी बेटी को भी दूर रखने के लिए तैयार हो गया, लेकिन तुम छे। कृष्णा ये सब क्या है, तू इनकी बात सुनने से इनकार क्यों कर रहा है? मेरी बात सुन बेटा। जानकी इसे क्या बात कर रही हो? अगर इसकी नजर में मेरी और मेरे शब्दों की कोई अहमियत नहीं तो इसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं। जाने के जोसे यही खड़ा है, निकल अम्मा जी। देखो इसे, एक लावारिस को वारिस बनाने चले थे मेरे ससुर जी। एक कुत्ते को सिंहासन पर लाकर बिठा देने से उसकी जात बदल सकती है क्या? सारे पैसे ले जाकर उस लड़की पे उड़ाकर बर्बाद कर दिया। चल निकल। कोई नहीं है। घर में कौन है बोल? सच में सब लोग श्री कृष्ण जी की यात्रा पर गए हुए। चलो रुकिए, आपका बक्सा चेक करना है। मेरे सवाल का जवाब तू देगा? तुमने इसे कहीं देखा है? नहीं देखा। ये कहाँ मिलेगा? फिलहाल तो यहाँ नहीं है। कहाँ गया है? वो श्री रंगापटना गए हैं। वहाँ वो श्री कृष्ण भगवान जी के मंदिर के कुंड में स्नान करवाने से इंदु ठीक हो जाएंगी सोचकर गए। हेलो हेलो सर सर। अरे पूजा करवाने के लिए पर्ची कहाँ मिलेगी? काउंटर पर जाकर पर्ची लेकर आइए। ठीक है पंडित जी। इंदु 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 मालिक मालिक, आपने घर से बाहर निकाल दिया इसलिए कृष्णा बहुत रोया बेचारा।
मैंने इससे पहले अपने कृष्णा को रोते हुए नहीं देखा। आपने मेरी वजह से उसे घर से बाहर निकाला ना? नहीं, मैं ही उसे कहीं दूर चली जाऊंगी। आप उसे अपने पास बुलाकर वापस रख लेंगे? माँ जी, आप इनसे कहिए ना। मान जाइए ना। आप चाहे तो मैं आपके पैर पड़ जाती हूँ। इंदु, डुबकी लगाओ पानी में। हाँ, ऐसे। बचा सकता है तो बचा ले, देखता हूं तुझमें कितना दम है। जान से मार दो, छोड़ना नहीं। तुझे मारने से भी किसी को पाप नहीं लगेगा। आ!
कंप्लीट रिपोर्ट मिलने पर ही कुछ बता सकते हैं। नो डॉक्टर, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। बाहर लोगों की भीड़ देख रहे हैं ना, पूरे केरला के लोग यहाँ आए हैं। चाहिए तो फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट बुलाइए। मनी इज नॉट ए प्रॉब्लम, बट इसकी जान बहुत ही कीमती है। देखिए, यहाँ पर कोई मत रहिए, प्लीज बाहर खड़े रहिए। कृष्णा, आपके घर के नौकर कृष्णा के लिए कितने लोग आंसू बहा रहे हैं देख रहे हैं? आपके घर में जगह न होने के कारण जिसे घर से बाहर निकाला गया, उस कृष्णा को कितने लोगों ने अपने दिल में बसा कर रखा है आप देख रहे हैं सर? कितने लोगों का प्यार और विश्वास हासिल करने के लिए उसके पास क्या है? धन दौलत नहीं है, जागीर नहीं है, ना ही अधिकार है। उसका अस्त्र क्या है ये आप जानते हैं सर? अगर 10 लोगों का भला होता है तो मैं अपना सर कटवा भी सकता हूँ और दूसरों का काट भी सकता हूँ। आपकी सिखाई हुई सिर्फ यही एक बात, आपकी सिखाई हुई सिर्फ यही एक बात, और इसी एक बात से हमारे लोगों की जिंदगी में खुशी आई। अगर अब भी मैं सच्चाई छुपाऊंगा तो उसका पाप मुझे लग जाएगा मालिक। बड़ी बेटी को याद करके आपका मालकिन का दुख दर्द देख नहीं पाता था, इसीलिए उसने आप सबों को एक करने की कोशिश की। किसी भी तरह आपके दामाद जी को मनाकर साथ मिलाने के लिए मैं और कृष्णा सबरीमले जा रहे हैं कहकर त्रिवेंद्रम चले गए। जिस वक्त इन्होंने वहां अपना कदम रखा तब वो सिर्फ एक राज्य नहीं था, रावण राज्य बन गया था। भाई साहब कहलाने वाले एक माफिया लीडर का खौफ सबके दिलों में बसा था। सरकार खोखली हो चुकी थी, वहां भाई साहब का ही राज चलता था और उसके छोटे भाई बाला नायर का दरबार। राजू। हाँ दीदी। इस डब्बे में खिचड़ी है, दोपहर को खा लेना, ठीक है? हाँ दीदी। अपना ख्याल रखना, चलती हूँ। 2 रुपया दीजिए साहब। बूट पॉलिश। भाई साहब ने दुबई से फोन किया था, 2 दिन में आएंगे कह रहे थे। वो माधव शास्त्री पैसा नहीं दे रहा है, टपका दूं क्या? फ्रॉम तक इंतजार कर। हो गया साहब। साहब 2 रुपया दीजिए। राजू, राजू, भैया, भैया ये अंधा है भैया, इसे माफ कर दीजिए भैया। तुम लोग समझते क्या हो? यहाँ कौन आया है? बाला नायर। अंधा है, दिखता नहीं तो क्या हुआ? सिर्फ कदमों की आवाज से समझना चाहिए ना। भैया आप चाहते हो तो हम आपके पैरों पर गिरकर माफी मांगते हैं। राजू भैया पैरों पर गिरकर माफी मांगो। आप जल्दी से मांगो भैया, मैं माफ कर दीजिए भैया, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ भैया, मुझे छोड़ दीजिए भैया, गलती हो गई, हमें छोड़ दीजिए। क्या हुआ? चल निकल। कोई तो मुझे बचाइए भैया, भगवान के लिए हमें छोड़ दो, मुझे जाने दो। नहीं, दीदी, 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 दीदी। ए, आज इधर कैसे? छी, क्या हुआ, बहुत गुस्से में दिख रहे हो तू। हमारी जिंदगी भी कोई जिंदगी है? हम ना मर्द हैं, ना मर्दों की तरह जिंदगी जी रहे हैं हम। क्या हुआ? अब से 10 साल पहले वो भाई साहब एक मामूली गुंडा था। ये सारे पॉलिटिशियन लोग अपना सिक्का जमाने के लिए उन्होंने उसके साथ हाथ मिला लिया, उसकी ताकत को बढ़ाया, और आज वो जिसका नाम लेता है उसी को पार्टी में सीट मिलती है, वो जिसे रिकमेंड करता है उसे कैबिनेट पोस्ट मिलती है, और जो सपोर्ट करता है वो CM बनता है। अगर वो बीच रास्ते में रेप करता है तो उसे तालियां, मर्डर करने पर हार पहनाते हैं, स्मगलिंग करने पर पकड़ा जाता है तो सम्मान देते हैं। और जब तक ये पॉलिटिशियन लोग भगवान का प्रसाद समझकर खाते रहेंगे तब तक हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ए, तेरी BP बढ़ गई है लगता है, एक बार हमारे आश्रम में भर्ती होकर ट्रीटमेंट करा ले। पागलों की तरह बात मत कर,
माना कि हम उसे रोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन उस पापी का अंत करने कोई ना कोई फरिश्ता जरूर आएगा। अब तक ये यूनिफॉर्म किस लिए, ये लाठी किस लिए? लॉ एंड ऑर्डर को निष्ठा से कंट्रोल करने के लिए सर, सरकार ने ये लाठी दी है। कहीं भी कचरे की तरह फेंकने के लिए नहीं, इसे संभाल कर रखिए। अरे बाप रे, कहाँ के रहने वाले हो सर? मैसूर के हैं सर, कर्नाटका। वही सर, वरवली मद्दूर मडिया मैसूर। करेक्ट। ए, मजाक कर रहा है, टांगे तोड़ दूंगा। चुप कर, साहब बहुत गुस्से में लग रहे हैं। भैया आप इस आश्रम के मालिक जैसे लग रहे हैं। हम यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, अगर आप थोड़ी सी सिफारिश करेंगे तो हम जल्दी से इलाज करवा कर चले जाएंगे। भैया रिकमेंडेशन की कोई जरूरत नहीं है, रिसेप्शन पर मेरी बेटी मिलेगी, उससे बात कर लो। हेलो, यहाँ ऑफिस में कोई है क्या? आई 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 आई। नाम क्या है? कृष्णा है। उम्र क्या है? अरे यार, उम्र के बारे में पूछ रही है पकिया, मुझे शर्म आ रही है। मेरा दोस्त बहुत शर्मिला है मैडम, वैसे इसकी एज कम है लेकिन रेंज बहुत बढ़िया है। बीमारी क्या है? क्या बताएं मैडम, सुनने में बहुत ही सिंपल है, झेलने में बहुत ही हॉरिबल है। मुझे बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की को, डोमेस्टिक, देखते ही उसे देखते ही रहने का मन करता है। देखते देखते मेरा सर धीरे धीरे घूम इस तरह से घूमने लगता है, फिर अचानक उसकी कमर पर नजर जाती है और बहुत ही बुरी तरह धड़ाक से गिर जाता हूँ। मैडम नॉनसेंस, मैंने ऐसी बीमारी कहीं नहीं देखी। चांस ही नहीं है, ये लेटेस्ट बीमारी है, इसका लक्षण ऐसा ही है। क्यों? बाद में होश ही नहीं रहता। आउट, गेट आउट। देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। देखिए 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 मैडम, देखिए बीमारी चालू हो गई। मैडम 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 संभालिए 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 मैडम 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 उठो। अरे भगवान, अब क्या करूं, धरती माँ की गोद में गिरा होता तो उठा भी लेता है, लड़की को गोद में से कैसे उठाऊं? हे भगवान, अब क्या करूं, कैसे उठाऊं इसको? अब घर वालों को मैं क्या जवाब दूंगा? ए कृष्णा, उठ जा भाई। साइड में हटिए भगवान, साइड प्लीज, हटिए हटिए। इनका प्रॉब्लम क्या है? ए कृष्णा उठ जा भाई, अरे लड़की भी चली गई, अब तो उठ जा भाई। ए कृष्णा उठ। ए सुनना, इधर आ। मैं? ए इधर आ, इधर आना। क्या हुआ? ये सब क्या है? ए ये सब क्या है? सच में रोगी है या कोई ड्रामा है? खुला ड्रामा है, मुझे लगा ही था। पैर पंच रहा, दिमाग बन जा रहा, तुझे क्या करना है बे? चल निकल यहाँ से, दिमाग बोला ना तेरी जात का। चलो 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 चलो, उठ जा भाई। मैं कहाँ हूँ भाई? लगता है मैडम मुझे गलत समझ कर बैठी है। मैडम मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मैडम कहाँ गई? गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, मैं कुछ नहीं समझ आती, निकल यहाँ से, दोबारा यहाँ नजर आएगा। क्या हुआ बेटी, ये लोग कौन? देखिए ना दीदी, हम यहाँ इलाज करवाने के लिए आए और ये हमें कुत्ते की तरह मारकर भगा रही है। ऊपर से हम दूर से आए हैं, मैसूर से आए हैं। मैसूर से आए हैं? हाँ मैसूर से ही। इंदु जल्दी से इन्हें एडमिट करो, इनकी बीमारी के बारे में तुम जानती नहीं हो। इंदु पहले ही बीमारी के बारे में कैसे पता चलेगा, तुम इनके रहने की व्यवस्था करो। दीदी आपने बिल्कुल सही कहा, बच्चे क्या जानेंगे, बस खा खा कर फूक जाते हैं। ठीक है, वेटिंग रूम में इंतजार करो, मैं आ रही हूँ। हाँ जाइए, लगता है दीदी की बेटी होगी, वैसे बहुत गुस्से वाली है। आप लोग बहुत दूर से सफर करके आए हैं, हाँ जाकर आराम कीजिए। हाँ। पकिया, दीदी को देखा, साक्षात महालक्ष्मी जैसी है। एकदम बिल्कुल बिल्कुल मालकिन की तरह। ओह, इसकी जात का ये तेल ऐसे क्यों रखा है? इस तेल को कान में डालते हैं कि बदन में लगाते हैं कि सिर पे डालते हैं? इसको पता है यार, ये लोग हर चीज के लिए तेल लगाते हैं। अरे बाप रे, हम लोग यहाँ, ये इसे कैसे पता चला? वाइब्रेशन। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर? मैडम वो ये गाड़ी बहुत अच्छी तरह से सजी हुई है ना, आप इस गाड़ी को बैलों से बांधेंगे या घोड़ों से बांधेंगे, इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। गधे बांधेंगे या मादा? दोनों ही यार। अच्छा रहेगा, मतलब ये गधे का तेल है। ए, दिमाग है या नहीं? नीचे रखो, बहुत महंगा तेल है वो, रखो नीचे। ए पकिया छोड़ दे, ये डोंकी का ऑयल है यार, अगर बदन पर लग गया तो हम पीछे से लात मारते रहेंगे। ऐसा है तो इसको फेंक देते हैं। अरे बाप, संभल कर, ठीक से खड़े रहिए ना। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। मैडम छोड़ूंगा तो आप नीचे गिर जाएंगी। वो सब मुझे मत सिखा, हाथ हटाओ। केरला का खाना बहुत ही बढ़िया होता है, नारियल के तेल से बनाते हैं फिर भी स्वादिष्ट लगता है। मैसूर में आप लोग कहाँ रहते हैं? चामुंडीपुरम, पहाड़ी के नीचे। वहाँ
रामचंद्र जी नाम के एक व्यक्ति रहते हैं, आप उन्हें जानते हैं क्या? आ, आ, पानी लीजिए, पानी। उन्हें कौन नहीं जानता दीदी, वो बहुत ही बड़े व्यक्ति है, बहुत ही बड़े इंसान है वो। मैसूर में ऐसा कोई नहीं जो उन्हें नहीं जानता हो। थोड़ा सा चाल लीजिए। अरे अरे, आप थोड़ा बोलकर इतना डाल रही है दीदी। एक मिनट, पेट भरकर खाना खाइए। अरे अरे बस कीजिए, आपका भी हमारी जानकी जी की तरह बहुत ही बड़ा दिल है दीदी। आप उन्हें भी जानते हैं क्या? अरे राम जी को जानते तो सीता जी को नहीं जानेंगे क्या? अब वो सब कैसे हैं? कैसे होंगे, समाज में चार लोगों का भला करने वाले व्यक्ति है वो। और शायद आपको एक बात पता नहीं होगी, उनकी कोई बड़ी बेटी अपने पिता से रिश्ता तोड़कर किसी और से शादी करके उसके साथ भागकर चली गई कहते हैं। देखा, उनकी कहानी सुनकर उनसे कोई रिश्ता ना होकर भी आपको कितना बुरा लग रहा है, इसलिए उन्हें बहुत बड़े महापुरुष मानते हैं लोग। और पता है हमारे रामचंद्र जी जो है सरस्वती, उस इंसान को मरे हुए 25 साल हो गए हैं, पूरे 25 साल। फिर कभी उस इंसान का नाम इस घर में लिया तो ठीक नहीं होगा। धूप में घूम कर जब थकावट होने लगे, छाव में आकर बैठो, थोड़ा सा पानी पियो। आ, थोड़ा पानी के साथ जलजीरा मिलाकर लेके आ, जल्दी लेकर आ। मान गए यार, दीदी के हाथ का बना खाना अमृत है। उस अमृत में दीदी के पति परमेश्वर ने नमक मिर्च का जबरदस्त तड़का दे दिया है, उसका झटका अभी तक लग रहा है। वो सब छोड़ यार, छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन शुक्र मानो अपने बीमारी का ड्रामा जबरदस्त काम कर रहा है। ड्रामा चाहे कुछ भी हो, उस लड़की से तू थोड़ा बचकर रहना, उसके साथ बात करना और इन पत्थरों से सर टकराना एक जैसा ही है। अरे सर पटकने की बात ही नहीं आती यार, हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ ड्रामा ही तो है ना। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो बात है वो तेरे और मेरे बीच में ही रहनी चाहिए, किसी तीसरे इंसान में लीक नहीं होनी चाहिए। लाइक हो गया बेटा, जस्ट अभी लाइक हुआ है बेटा। ये कहां से टपक गया हमारा बना बनाया खेल बिगाड़ने के लिए? आओ बेटा अभी लाइक हुआ है। अरे आप तो हमारे मित्र है। हाँ पता है पता है, बीमारी के नाम पर झूठ बोला। अरे तुम लोगों की घटिया हरकत के लिए तुम लोगों को कोल्ड की बीमारी लग जाए। तुम लोग मेहनत की रोटी नहीं खा सकते, ऐसा कौन सा रोग लगा है? अगर कटोगे तो चार गांव के लोग तुम्हारा मटन खा सकते हैं। तुम लोग बीमारी का ढोंग करोगे तो हम जैसे ओरिजिनल मरीजों का क्या हाल होगा, ये सोचते हुए भी डर लग रहा है। ये पूरी दुनिया जानती है मैं इन पैरों से अपाहिज हूं, एक अंधा हूं। पैरों से अपाहिज अंधा? अरे बाप रे, जब मुझे गुस्सा आता है मैं अकलाता हूं और कुछ भी बोलता रहता हूं, तुम्हें इससे क्या मतलब? दूर खड़ा रहे भाई बटले। मैं बटला हूं। इधर आ, बीमारी वगैरह कुछ नहीं है, बस सांड की तरह खाता जा रहा है। रख इधर, जल्दी रख। आ लीजिए भाई। खिसक लेते हैं यहाँ से। ए, 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 मुझे अलग से बताऊं क्या, मुझे जब गुस्सा आता है तब मैं इंसान नहीं रहता हूँ, कुत्ता बन जाता हूँ। थैंक यू। अब आए ना रास्ते पर, जरा पास आओ। ये सब तुम रोज खाते रहते हो ना, आज के बाद ये सिंह चना, पिस्ता बादाम वगैरह, ये सब मेरे पास भी आ जाना चाहिए। ठीक है भाई, सुबह आकर मेरे पैरों की अच्छी तरह से मालिश करेगा। ठीक है। मैं तेरे पिता से बोलियो क्या? ए, तू शाम को आकर मेरी मसाज करेगा। विद ऑयल या विदाउट ऑयल भाई? विद ऑयल, विदाउट नो। बहुत तकलीफ होगी, कोशिश करूंगा भाई। कुछ भी भूल गए ना तो कहाँ है वो मीटर? कौन सा मीटर भाई? थर्मामीटर। श्रीमान जी। हे पुजारी, ब्रह्मोत्सव के कलेक्शन में भाई साहब को मिलने वाले हिस्से में से एक पैसा भी कम नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है। ए, अगर भाई कहे तो सिर्फ आरती ही नहीं, तेरे पूरे शरीर को सिगरेट की तरह सुलगा कर रख दूंगा। ए, घूर क्या रहा है? सर झुका, सर झुका साले। बाला भाई, ये मेरे दोस्त का रिश्तेदार है, ये यहाँ का रहने वाला नहीं है, कर्नाटक का है। ए सर झुका, ए सर झुका ना, वो आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता, माफ कर दीजिए। ए अपना सर झुका ना, झुका। बुरा मत मानिए भाई, माफ कर दीजिए प्लीज। भाई फोन। बोल। क्यों, मरने की बहुत इच्छा हो रही है क्या?
बाला नायर से टकराने का अंजाम हॉस्पिटल नहीं है, सिर्फ मौत। पता नहीं खुद को क्या समझता है। छे। या! ए, दुख, ठीक जो, जुक जो। फिक्र को धुए में उड़ा के, बहुत नींदारी है। मस्ती में झूठ लगा के, जीना सीख ले प्यारे तू, अपने गमों को मिटा दे तू, हंस खेल कर जी ले तू। ए, फिक्र को धुए में उड़ा के, मस्ती में झूठ लगा के, पक्या उठ उड़ा के, झूम के, होय होय होय, फिक्र को धुए में उड़ा के, मस्ती में झूम के गा के, फिक्र को धुए में उड़ा के। किसी ने भी नहीं देखा। पक्या देख रहा है, मुफ्त में खाना मिलता है, इसलिए पेशेंट की तरह नाटक करके कैसे लोगों को धोखा दे रहा है। छोड़ना नहीं चाहिए इसे। पक्या कहाँ जा रहा है तू? उस कमीने ने हमारा कितना अपमान किया, हमसे नौकरों की तरह काम करवाया, जो नहीं करवाना चाहिए वो सब करवाया हमसे। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे। तुझे अक्ल है या नहीं? अगर आज हमने उसकी पोल खोल दी तो वो हमारी पोल सबके सामने नहीं खोलेगा क्या? हमारे यहाँ आने का मकसद क्या है? मैं अपने गुस्से को संभाल नहीं पा रहा हूँ, नहीं संभाल पा रहा हूँ मैं। वो आ रहा है, कुछ गड़बड़ मत करना, तुझे मेरी कसम है। शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा देवा। ये जीवन मेरा है सुना सबसे बेगाना, ना कोई है अपना ना कोई सपना। शांत हो जा, शांत हो जा देवा। कबूतर हो ऐसे टुकड़ टुकड़ क्या देख रहे हो? भाई आया है, उन्हें उठाकर पलंग पर बिठाना चाहिए, इतनी भी समझ नहीं है क्या? नॉनसेंस। हे भाई, भाई भाई आया भाई, ना जल्दी आ, उठाओ मुझे। आपकी सेवा के लिए तो मैं पैदा हुआ। पलंग पर बैठा, आराम से, आराम से, ए आराम से बैठा। अच्छा आराम से, वेरी गुड वेरी गुड। ये तो सही में लग रहा है या नौटंकी कर रहा है? क्या रे, इंक्वायरी कर रहा है तू और मुझसे? अबे साले मैं अपने पैर उठाकर तेरे कंधों पर रखकर तुझे कुचल दूंगा। सॉरी भाई। क्या हुआ? आपका पैर पंचर हुआ है। मैं आपके साइड में हूं ना भाई। पैर तो पंचर हुआ है, एक काम कर बे, तेरे पैर उठाकर तेरे कंधे पर रखकर खुद को कुचल ले। मैं अपना पैर अपने कंधे पर रख लूं? क्या करेगा बे? जय बजरंगबली। कैसे होगा भाई, कैसे होगा भाई, जरा सोचिए कैसे होगा भाई। अपने पैर उठाकर अपने कंधे पर रखने के लिए वो कोई योगा पंडित है क्या, या फिर किसी आश्रम का स्वामी है क्या? दोनों भी नहीं है ना, वो मेरी और आपकी तरह ही, मेरे देश की धरती सोना उगले की तरह किसान का बेटा ही है। यू आर करेक्ट, मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा साइड माना प्लीज। आ गया। तेरा चेहरा देखता हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ कॉमेडी आइडिया आते हैं। तू एक काम कर। क्या? तू एक अच्छी सी रेशमी साड़ी पहनकर, बालों में गजरा लगाकर, बदन पर सेंट मारकर मेरे पैर दबाएगा तो बहुत मजा आएगा। बहुत सही कहा भाई, एकदम सही कहा। सुनिए इंदु जी। मैं नहीं, वो यहाँ 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 ऊपर, मैं बोल रहा हूँ। आप ऐसा क्या देख रही है? अरे ऐसा देखा मत कीजिए, बताने के लिए तो मैंने आपको बुलाया। ठीक है देखिए, कोई बात नहीं है, लेकिन कभी प्यार भरी निगाह से देखने की कोशिश मत कीजिए। आपको पता नहीं मेरी बीमारी के बारे में? तधीमी तक्कीटा जब शुरू हो गया ना, तब चकरा कर नीचे गिर जाऊंगा और जान निकलकर भगवान के पास चली जाएगी। ये कोई नया ड्रामा है? अरे ओ पकिया बता दे, ये कोई संपूर्ण रामायण का नाटक नहीं है, समझाओ उसे। देखिए मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, उसकी तरफ मत देखिए, मत देखिए, मत देखिए, वो गिर जाएगा, गिर जाएगा, गिर जाएगा। मर गया। हे भगवान, ये कैसी बीमारी है? देखिए आप मुझे बार बार गिराए मत कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। नहीं नहीं करके बोलने के बावजूद अपने प्यार से अपना सर उठाकर मुझे देख ही लिया ना, कोई बात नहीं है। वैसे मैं मौत वौत से नहीं डरता, लेकिन आपको ऐसे परेशान करके मैं ऐसी जिंदगी जीना नहीं चाहता मैडम, इससे अच्छा मर जाना बेहतर लग रहा है, जाकर आता हूँ, नहीं चला ही जाता हूँ। ये सच में असली बीमारी है क्या? अब देखो ना, वो कह रहा था कि अगर मैं उसे प्यार भरी नजरों से देखूंगी तो वो पेड़ से गिर जाएगा, लेकिन मैंने तो उसे उस नजर से देखा ही नहीं। तुम्हें उससे कोई लगाव नहीं है, ये सच है। वो तुम्हारे लिए बार बार पेड़ से गिरकर अपनी जान दे रहा है, ये भी सच है। अब सोचो कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो। सोचो सोचो, झूठ मूठ का सोचो। एक डॉक्टर, एक पेशेंट, दवाई की तरह एक ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट। एक हट्टे कट्टे नौजवान की जिंदगी तुम्हारे हाथ में। मैं तुमसे प्यार करती हूँ ऐसा एक बार कह दो, प्लीज प्लीज, ट्रीटमेंट के लिए। Thank you.
अरे अरे कृष्णा, अरे भगवान छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे, कृष्णा मेरी ओर देखो ना, मैं किसी भी तरह जी लूंगा। कृष्णा मुझे मत देखिए, मेरा सर घूम रहा है। आई लव यू। क्या कहा? आई लव यू। ये क्या, अब मेरा सर घूम क्यों नहीं रहा है? मेरी बीमारी ठीक हो गई क्या? सच में आप मुझसे प्यार करती है क्या? तो फिर शादी कब करें? हाँ शादी नहीं बाबा, घर वाले मानेंगे नहीं। नहीं मानेंगे तो फिर भाग चलते हैं। हाँ मेरी बात सुनिए, हम भाग चलते हैं। सर भाग चलते ही एक बात कहने पर आपने मुझे कितनी जोर से चाटा मारा। ऐसे में किसी और की बेटी को माँ बाप से अलग करके आप तो भगा कर ही ले आए। ये बात जानकर रामचंद्र जी ने आपको इसी तरह एक चाटा मारा, वो गलत था क्या सर? उस दिन एक प्रेमी बनकर आपने जो किया, वो आज पिता की जगह पर खड़े रहकर सोचने से आपको नहीं लगता कि आपने उस वक्त बहुत बड़ी गलती की? उस दिन जिन्होंने आपको चाटा मारा वो आप ही की तरह एक पिता था, आपने उन्हें कितनी बड़ी सजा दी। 20 सालों से अपने माँ बाप से दूर रहती आ रही ये बेटी, बेटी से दूर रहते आ रहे वो माँ बाप एक दूसरे की याद में सिर्फ आंसू बहाते रहे। मुझसे उनका दुख देखा नहीं जा रहा था, इसलिए आप सबको फिर से मिलाने के लिए मैंने यहाँ आने का फैसला किया सर। सर आपने हमारी घर की बेटी से शादी करके इन्हें हर तरह का सुख दिया, उसी तरह इनके माँ बाप को भी वो खुशी दे दीजिए। सरस्वती हम कल ही मैसूर जा रहे हैं। इस जन्म में तू बदलेगा नहीं करके सोचा था, लेकिन बदल गया। इस पुलिस वाले की नजर तुम्हारी अच्छाई को पहचान नहीं पाई। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं है सर, भगवान आपकी झोली खुशियों से भर दे। टिकट रेडी है, जा सकते हैं। पिताजी, कितने सालों बाद मैं पिताजी से मिलने वाली हूँ। कृष्णा, पिताजी मुझे अपनाएंगे ना? आप कैसी बात कर रही हैं? मेरे मालिक मेरी बात को कभी नहीं टालते। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उन्हें कहाँ दबाना चाहिए। उस घर में मैं उनका सगा बेटा ना होते हुए भी फुल इंचार्ज मेरा ही है। इसका मतलब पिताजी ने मुझसे जो वादा किया था उन्होंने वो पूरा कर ही दिया। कैसा वादा? वही, मेरे जन्म के बाद माँ जब फिर से गर्भवती हुई तब पिताजी ने मुझसे पूछा तुझे भाई चाहिए या फिर बहन। मैंने कहा भाई चाहिए, लेकिन लड़की पैदा हुई। उस वक्त मुझे बहुत ही बुरा लगा। तब पिताजी ने मुझसे एक वादा किया कि मैं तुम्हें एक प्यारा सा भाई जरूर दूंगा। वो वादा उन्होंने तुम्हें देकर पूरा कर दिया। कृष्णा तू क्यों रो रहा है? कृष्णा मेरी चप्पल सिला कर ले आओ। कृष्णा बाजार से सब्जी लेकर आओ। ए कृष्णा मेरा काम हुआ क्या नहीं? अब तक यही सब मेरे कानों में गूंजता था, लेकिन आज पहली बार आपने मुझे एक रिश्ते का नाम दिया, अपने सच्चे दिल से मुझे मुझे अपना भाई कहा। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा कृष्णा, कभी नहीं भूलूंगा। सिर्फ भाई कहकर बस इसी एक बात से तुमने उसका कर्ज चुका दिया, अब मैं कैसे चुकाऊं? ए जी, वो दिल में कोई आशा या लालच लेकर यहाँ नहीं आया है। जानता हूँ, लेकिन उसका कर्ज चुकाना मेरा धर्म है और चुकाऊंगा। कैसे? अगर उसे मंजूर हो तो इंदु से मैं उसकी शादी करवाऊंगा। देखो तुम किसी भी तेल से मालिश करोगी ना तब भी मेरा रोग कभी ठीक नहीं होगा। इसके बजाय एक आधा किलो लड्डू, 1-2 लीटर बादामी दूध, 1-3 किलो वो पिस्ता बादाम सब मिक्स करके लेकर आओगी तो बड़ी मेहनत से खा पीकर ठीक होने की कोशिश करूंगा। ओके? अब उसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा, अब जो हमारा कृष्णा तुझे ट्रीटमेंट देगा तो तू लुंगी उठाकर पीटी उषा की तरह झटसर दौड़ने लगेगा। ओए,
क्यों बे साले, बहुत जबान चली तेरी, काटू क्या? अरे नहीं भाई, माफ कर दो। अब आया लाइन पर, साला मीटर डालूंगा तो मीटर सब बाहर आ जाएगा। जो करना है कर साले। ए, क्या कर रहा है, देख उधर। क्या ये, क्या डॉक्टर और पेशेंट इतना जबरदस्त चिपक कर आ रहे हैं? पुष्पा दूसरे पेशेंट को देखो, कैसे है नायर जी? ऊपर तो ठीक ही हूँ, लेकिन नीचे थोड़ा पैर दर्द कर रहा है। नायर जी, आपका पैर ठीक करने के लिए कृष्णा जी ने बहुत अच्छी ट्रीटमेंट की खोज की है। इन्हें इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, ये क्या छड़ी लेकर खड़े हो गए? मेरी जो बीमारी है वो इस जन्म में तो कभी ठीक नहीं होगी। खाने पीने के लिए देंगे, उसके सारे में यही कहीं जी लूंगा। बिल्कुल वही केस है, हमारे गाँव के गंगाराम घनचक्कर को इसी तरह की बीमारी जकड़ कर बैठी थी, फिर पंडित शुक्लाचार्य जी ऐसी एक मंत्र की छड़ी लेकर आए और आधे घंटे में वो ठीक हो गए। क्या करने वाले हो? पकिया। समझ गया समझ गया। चैन कुली की, मैन कुली की, पैर में जान आ जाएगी। कुछ महसूस वगैरह हो रहा है क्या भाई? कम से कम गुदगुदी तो हो रही होगी। तू खुजाएगा तो शायद होगी, इन बेकार की कोशिशों से कोई फायदा नहीं होगा। ऐसी बात है तो मंत्र पढ़ना होगा। हाँ पढ़ना ही होगा। ओम कालिनी कपालिनी दुख दरिद्र हारिणी भूत पिशाच संहारिणी ओम चामुंडे विच्चे फट। ओम क्रीम क्रीम राम राम रूम रीम रीम करम करम खाओ गरम बराम ओम फट। बोलो ना यार, कुछ हो रहा है? पैर में मारने से जरा भी महसूस नहीं हो रहा है, इसका मतलब गारंटी से घुटने में प्रॉब्लम है। एक दो कृष्णा, दो इंच नीचे, ठोको जोर जोर से। अब कहिए नायर भाई, कुछ महसूस तो हुआ होगा? तो फिर इतना रो क्यों रहे हो बेटे? मेरी इस लाइलाज बीमारी की वजह से तुम लोगों को जो परेशानी हो रही है उसे देखकर मेरे दिल में जो भारी खुशी समाई है वो खुशी उबल उबल कर आंसू बनकर मेरी आंखों से बह रहे हैं बेटा। इससे खुशी के आंसू कहते हैं। अरे अरे बिल्कुल सही, यही सब हो रहा था। हमारे गंगाराम घनचक्कर के आंखों से भी पहले ऐसी खुशी के आंसू निकले, उसके बाद वो पैरों पे खड़ा हुआ। ए पकिया, चले पीले जीले। अभी बीमारी ठीक नहीं हुई क्या? कैसे ठीक होगा मैडम, मुफ्त का खाना, मुफ्त का पानी, इस बीमारी को इस शरीर से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। बाकी आज के लिए इतना काफी है। कल से हम स्पेशल ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है चलिए, ठीक चलिए, मुझे पता है लोगों को कैसे दौड़ाते हैं। तो जल्दी यहाँ से भागेगा। बजने वाली है तेरी बैंड रे। स्टॉप दी गाड़ी। पकिया शॉक ट्रीटमेंट का काम हम कल से शुरू करेंगे ऐसा सोच रहे थे ना? हाँ। वो काम आज ही कर लेते हैं, बेकार में वक्त क्यों बर्बाद करें। तो आगे बढ़ो। अब देखते जाओ। अरे जान से मार दोगे क्या? हे भगवान, मुझे बचाओ भगवान। अरे भाग रे भाग। कृष्णा ये सब कार में रख देना, मैं कस्तूरी के लिए कपड़े लेकर आती हूँ। आपके लिए भी एक अच्छी सी साड़ी ले लीजिए, देखते ही धरे के धरे रह जाना। ठीक है। निकल बे, निकल यहाँ से। चलो सब लोग निकलो यहाँ से। तुझे कुछ लेना था ना? बोलना। वो बोलना, इतना शर्मा क्यों रहा है? बोलना। वो मेरी दूसरी आइटम के लिए जैकेट के अंदर पहनते हैं ना। मालूम नहीं है भाई। मालूम नहीं है, इडियट। देख इन लोगों में से किसका साइज फिट होगा बता। वो रही। तेरी क्या है? हेलो माँ, मैं हूँ कृष्णा। हाँ बोल कृष्णा। मैंने जीजू को मना लिया। तो सच कह रहा है? अरे तुम नहीं जानती क्या माँ, मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ वो होना ही है। अच्छा तुम लोग कब आ रहे हो? अरे हम कल ही निकल रहे हैं माँ। सरस्वती कैसी है? माँ 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 माँ, दीदी एकदम मस्त है माँ। हटो रे, चलो हटो, भागो जल्दी। चलो निकलो, चल निकल ले जल्दी से। निकलो रे, सुनाई नहीं देता क्या? चल निकल। कितने प्यार से सबका ख्याल रख रहा था, तुम सबका अब तक मैंने बहुत ख्याल रखा। 3 महीनों से मैंने किसी का किया क्या? हाँ, या फिर किसी का मर्डर किया?
किसी का मैंने कुछ भी उखाड़ा क्या? इससे मैंने क्या पूछा? क्या पूछा? After all, और बदले में इसने क्या किया? क्या किया? पब्लिक के सामने इस बाला नायर के गाल पर चांटा मारा। आज मेरी इज्जत मान मर्यादा सब मिट्टी में मिल गई। अक्तू! इसे इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। मुझे भी बात करनी है। बात करोगी? रुको, देता हूं। दीदी, 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 दीदी! सबको अच्छे से गर्म होने दे, जी भर कर पीने दे। भाई वो आ रहा है। कौन है वो? आश्रम में रहता है भाई। यहाँ क्यों आया? ब्रा साइज पूछा था ना, उसने तो नहीं बताया, इसलिए ये बताने आया है। अरे जाकर पूछ उससे। कहिए सारे साहब, ब्रा का साइज बताने के लिए इतनी दूर से तू यहाँ पर आया है? आचार्य जी, दूध लेकर आइए। आप ये क्या कह रहे हैं स्वामी जी? अन्याय अधर्म को रोकने के लिए उस भगवान को मंदिर की किसी मूर्ति के रूप में प्रकट होने की आवश्यकता नहीं, वो इस प्रकार किसी मनुष्य के रूप में भी प्रकट हो सकते हैं। अभिषेक तो इनका होना चाहिए। अरविंद, क्या हुआ? भाई साहब के भाई बाला और उसके आदमियों को कृष्णा ने मार डाला। कृष्णा, चलो मेरे साथ। कहाँ? यहां से कहीं दूर, इससे पहले कि भाई साहब हमको मार डाले, हमारा यहां से निकल जाना ही बेहतर होगा। बिना मतलब की बात मत कर। कृष्णा ने जब बाला नायर को मार डाला, तब लोग इसी कितनी जयजयकार करने लगे पता है? उन सबको मारने वाला कल भाई साहब के भी टुकड़े टुकड़े करके रख देगा। बस करो, कुछ और मत बोलो। मेरी पत्नी की जान ली उसके गुस्से में, कृष्णा ने बेशक उसे मारा होगा। इतनी सी बात के लिए, लोगों को आंसू पोंछने के लिए,
इस राज्य का उद्धार करने के लिए, गुंडागर्दी को जड़ से मिटाने के लिए कृष्णा यहाँ आया है ऐसा मत सोचना। भगवान के लिए हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। कृष्णा चलो यहाँ से। कृष्णा, जिन लोगों ने तुम पर विश्वास किया, तुम्हें अपना माना, तुम उनका दिल तोड़कर जाओगे क्या? कृष्णा तुम हमारे साथ चलो प्लीज, प्लीज कृष्णा। कृष्णा, 2 दिन बाद हमें मैसूर चलना है, ठीक है ना? आपकी मर्जी। हे कृष्णा, कहाँ छुपा है तू? मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रहा हूँ। तू मेरे लिए यहाँ मत आ। तालियां बजाकर जिन लोगों ने तेरा अभिषेक किया ना, इन लोगों के लिए आ। आजा। मैं तुझे ये पानी दे दूंगा, अपनी प्यास बुझा ले। लेकिन तुम्हारा जो रक्षक है ना, उस कृष्णा को बस सिर्फ एक बार यहाँ आने के लिए बोल, उसे बुलाना बेटा। ले थोड़ा पानी पी ले। हमारा भैया डरता नहीं है, वो एक शेर की तरह आएगा। हाँ। और तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे 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 वाह वाह, अच्छा है, बुलाओ उसे। भैया कृष्णा, हाथ हटाइए। नहीं कृष्णा, हाथ हटाइए, मेरी बात सुनो कृष्णा। हाथ हटाइए कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, मेरी बात सुनो कृष्णा प्लीज। वो कोई मामूली लोग नहीं है, वो तुम्हें मार डालेंगे। तो मारने दीजिए। 10 लोगों का भला होता है तो मैं किसी की जान ले भी सकता हूँ और अपनी जान दे भी सकता हूँ। कृष्णा नहीं, नहीं कृष्णा प्लीज। बाबा भाई, वो अभी तक नहीं आया। आएगा, वो जरूर आएगा। मेरे भाई की जान ली? अरे तूने मेरे भाई और उसके आदमियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा तो मुझे लगा कि तू कोई भयानक राक्षस जैसा आदमी होगा। अरे तेरे मुंह पर तो ठीक से मूछे भी नहीं निकली है, तो फिर कहां से आई तुझमें इतनी हिम्मत? ये ना ही तेरा गांव है, ना ही तू यहां पर पैदा हुआ है, और ना ही तेरी कोई सेना है, तो फिर कहां से आई तुझमें इतनी हिम्मत? तेरी जय जयकार करने वाले इन सारे कीड़े मकोड़ों को तेरी मौत का खेल दिखाने के लिए यहां मैंने बुलाया है। अब दिखा साले अपनी मर्दानगी। आ भैया, देखो ना।
भैया 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 प्यास बुझी क्या बेटा? मेरा गांव, मेरा साम्राज्य, ऐसा कहकर तू बहुत उड़ रहा था ना, अब कांप क्यों रहा है? हाँ, अपनी मौत का खौफ दिल में बैठ गया क्या? हाँ बोलना साले, थू बोलना। गुंडागर्दी की बदौलत मर्दानगी दिखाने वाला, लोगों पर हिंसा करके राज करने वाला, कहाँ गया वो जोश? तेरे फेंके हुए टुकड़ों पर जीने वाले, तुझे सलाम ठोक कर तेरे तलवे चाटने वाले इन भाड़े के टट्टुओं की ताकत जो है वो मेरे इन पैरों के धूल के समान है। तेरी आंखों के सामने तेरे पूरे साम्राज्य का सर्वनाश करके जब तक मैं तुझे गली गली में पागल कुत्ते की तरह नहीं दौड़ाता, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जा जाकर उस समंदर से पूछ, उसमें उठने वाले आंधी तूफान सुनामी, उनसे एक बार जाकर पूछ कि मेरा नाम क्या है। कृष्णा कहकर वो 100 बार दोहराएंगे। यही चीज मैं भी अपना सीना ठोक कर अपनी जान थपथपा कर आज कहता हूँ, मैं हूँ सबका मसीहा कृष्णा। तुम लोगों के लिए मसीहा सिर्फ कृष्णा ही नहीं, पापियों के लिए नरसिम्हा भी है, ये ले। जब ये कृष्णा अपनी छाती ठोककर जो करने की ठान लेता है, वो आखिरी सांस तक लड़कर अपने खून का हर एक कतरा बहाकर पूरा करता है। अगर तू इस आग से खेलने की कोशिश भी करेगा तो जल जाएगा, जल कर भस्म हो जाएगा, खबरदार। रुक जाओ सर, आप इस वक्त? कृष्णा आज के बाद यहाँ मत आना, जाओ यहाँ से। अरविंद ये तू क्या कह रहा है? हम यहाँ लोगों की जान बचाते हैं, जान लेने वालों की यहाँ जगह नहीं है, प्लीज गो। एक बार इंदु से, इंदु आउट। सॉरी इंदु, शायद मेरा फैसला गलत है। नहीं बाबा, मैंने जिससे प्यार किया वो कृष्णा था, लेकिन आपने जिसे यहाँ आने से मना किया वो नरसिन्हा था। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं बाबा। बाबा, माँ के जाने के बाद पता नहीं क्यों मुझे इस घर में रहना अच्छा नहीं लगता बाबा। यहाँ से कहीं दूर जाते हैं बाबा। Yeah.
सारा सामान पैक हो गया ना? हाँ हो गया। कहाँ बस भाग रहे हो? जाओ पकड़ो उसे। भाई साहब के लोगों ने हमला किया है, सब लोग अपनी जान बचाकर भागो भागो। जल्दी चढ़ो इंदु, जल्दी। नरसिम्हा कहाँ है? बोल बोल, पकड़ो उसे। ठीक है भाई, छोड़ दो मुझे, वो कहीं नजर नहीं आ रहा है भाई। चल चल। मैं सच कर रहा हूँ भाई साहब, अब हमारा उससे किसी भी तरह का संबंध नहीं है। जिस दिन उसने आपसे दुश्मनी की तब से मैंने उसे कभी अपने घर में नहीं लिया। मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। भाई सारा खेल बिगड़ गया, उस नरसिम्हा की बात सुनकर वो सीएम हमारे खिलाफ हो गया। आपको अरेस्ट करने के लिए उसने वारंट भी इशू कर दिया। मैं किसी भी कीमत पर इसकी अनुमति नहीं दूंगा कहा तो उसने होम मिनिस्ट्री छीनने की धमकी दे दी। इतना ही नहीं, अगर आपने कुछ गड़बड़ की तो आपका एनकाउंटर कर देगा ऐसा कहा। इस वक्त वो सीएम कहाँ है? सभी मंत्रियों को अपने साथ लेकर दिल्ली जा रहा है, अब 20 मिनट में ट्रेन पकड़ने वाला है। भाई साहब उसी ट्रेन से मैं अपनी बेटी के साथ जा रहा हूँ, मुझे मेरी बेटी के पास जाने दीजिए प्लीज। प्लीज भाई साहब प्लीज। ठीक है, ए, इसे जाने दो। ए, थैंक यू वेरी मच भाई साहब, थैंक यू। भाई उसे यही मारने के बजाय उसे सूटकेस देना, उसमें बम वगैरह रखना, ये सब करना जरूरी था क्या? जिस ट्रेन में अरविंद चढ़ने वाला है उसी में सीएम भी चढ़ने वाला है, समझा? सीएम के साथ सारे लोग एक ही धमाके में फिनिश। बोल बंटी। भैया अरविंद को भाई साहब ने छोड़ दिया है लेकिन उनके सूटकेस में बम रखा है। जिस ट्रेन से सीएम जा रहे हैं उसी ट्रेन से अरविंद जी भी इंदु जी के साथ जा रहे हैं, आप किसी भी तरह उन्हें बचा लीजिए भाई। ए! छे! हमारे प्लान के बारे में कृष्णा को पता चल गया, उस अरविंद को ढूंढने के लिए कृष्णा अपने लोगों को जरूर अलग अलग भेजेगा, हमें भी अलग अलग होकर उन्हें रोकना होगा। अब देर मत करो जाओ। क्या हुआ? अरविंद सर की सूटकेस में भाई साहब ने बॉम्ब रख दिया है। ओह माय गॉड, ये बात हम जान गए हैं, ये उसे भी पता चल गया है, किसी भी तरह वो हमें रोकने की कोशिश करेगा। हम सब अलग अलग से जाएंगे, जो पहले वहां पहुंचेगा वो अरविंद सर से पहले वो सूटकेस लेगा। जाइए। ठीक है कृष्णा। चलो भाई वरना ट्रेन छूट जाएगी। ये लो भाई। सर, पापा, इंदु, इंदु, जल्दी आओ पापा, सूटकेस में बम है सर, रुक जाइए सर, इंदु, जल्दी आओ।
मेरी बात सुनिए, सुटकेस में बॉम्ब है सर, रुक जाइए। पापा, पापा जल्दी आओ। सर, सुटकेस में बॉम्ब है सर। इंदू। पापा जल्दी आओ, जल्दी आओ। इंदू। पापा जल्दी आओ। सर, सुटकेस में बॉम्ब है सर। अगर कुछ करने से 10 लोगों का भला होता है तो मैं अपना सर कटवा भी सकता हूँ और दूसरों का सर काट भी सकता हूँ। लोगों का अगर कुछ भला होता है तो एक की जान जाने में कोई बुराई नहीं है। मेरी वजह से कईयों की जान बच गई, लेकिन मेरी बेटी बेचारी अनाथ हो गई। अब इसके बाद तुम ही उसके सब कुछ हो। कृष्णा, मुझे भूख लगी है। मुझे खाना चाहिए। कृष्णा ने उसके पिता को मारा, इंदु सिर्फ यही जानती थी। उस सूटकेस में जो बम था, अगर वो ब्लास्ट हो जाता तो उस ट्रेन से सफर करने वाला एक भी इंसान नहीं बचता। और यह सच्चाई जाने बिना इंदु ने बहुत बड़ी गलती की। कृष्णा ने उसकी खातिर कितनी तकलीफें सही, ये बात उस बेचारी को पता नहीं थी। वो हमें कुछ बताए बिना यहाँ से चला गया, आप लोगों से भी दूर हो गया। अगर उसमें जरा भी स्वार्थ नाम की चीज होती तो वो वहीं रहकर लाखों करोड़ों रुपये कमा सकता था, लेकिन उसने किसी चीज का लालच नहीं किया। उसके दिल में आप बसे थे, मन में वेदों से ज्यादा आपकी बातें थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। यही सच है मालिक। इंदिरा जी आपकी नवासी है, यह बात आपको बताने से आपकी बेटी की मौत की खबर भी बतानी पड़ेगी, यह सोचकर डर गया। और आज वो अपने दुख दर्द को, अपनी परेशानियों को सीने में दबाकर मौत से लड़ रहा है। मालिक, क्यों रो रही हो बेटा? वो जब छोटा था तब से मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसके बावजूद मैं उसे ठीक से नहीं समझ पाया। अब तुमने उसके साथ जो भी कुछ किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा। सुनिए, ही इज आउट ऑफ डेंजर। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। सुंदरी, भगवान बड़ा है, उसने आखिर मेरे कृष्णा को बचा ही लिया। क्या आपका कृष्णा? हाँ, क्यों? वहां देखिए। कृष्णा को कैसे पटाना चाहिए? नहीं, कोशिश भी की मगर कृष्णा,
कृष्णा, मेरे राज्य में मेरे ही लोगों के सामने तूने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी। हाँ, अब देखता जा तू, तेरे राज्य में तेरे ही लोगों के सामने अपना साम्राज्य खड़ा करके मैं तुझे मिटा कर रख दूंगा। आजा, आजा, उठ साले, उठ, उठ। मुझे भी मार, मार मुझे, वरना तू नामर्द कहलाएगा। तेरे इस राज्य की इज्जत कौड़ियों की भी नहीं रह जाएगी। मेरा गांव, मेरा देश कहने वाले यहाँ के लोगों को अपना सर शर्म से झुकाना पड़ेगा। hey, क्या हो गया रे, खत्म हो गया क्या? तुझे पैदा करने वाली इस घटिया मिट्टी की ताकत बस इतनी है क्या? तू इस नाजायज मिट्टी की नाजायज औलाद है। तो जैसे पापी की सजा सिर्फ मौत है, तेरे जिगर में, तेरी मुट्ठी में, तेरी जबान में ही सिर्फ जोश भरा है। महान लोगों को जन्म देने वाली इस धरती माँ ने ही मुझे भी जन्म दिया है। मेरे खून के हर एक कतरे में जोश भरा हुआ है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, छत्रपति शिवाजी महाराज, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीर भगत सिंह, मंगल पांडे, इन सभी महान लोगों ने इसी धरती पर जन्म लिया है कुत्ते। ऐसी धरती पर तूने जन्म लेकर इस देश की आन बान शान मान मर्यादा को मिट्टी में मिलाकर तूने मेरे अंदर के नरसिम्हा को हिरण्यकश्यप बनकर ललकारा है। उससे सामना कर, हमारे आगे हाथ फैलाकर पानी मांगो, शरबत पिलाएंगे, दूध मांगो, खीर खिलाएंगे, प्यार मांगो, सीने से दिल निकाल कर देंगे। अगर धोखा देकर हमारी इज्जत के साथ खेला तो जिंदा ही काट देंगे। मार साले, और मार, मार तेरी जात का, मार, मार साले, मार, मार, और मार, मार और मार। हमारी इस धरती की इज्जत आबरू पर कोई दाग नहीं लगा सकता। अगर गलती से लग भी गया तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा।
देखिए आप सबका कीमती वोट जो है उम्मीदवार हमारी कस्तूरी देवी को दे, ऐसा इस जमींदार नायक जी का आप सभी से कहना है। हाँ। चुपचाप खड़े रहिए, मेरा वोट इंदिरा जी को ही जाता है। कस्तूरी देवी को, इंदिरा जी को जाता है। अरे इंदिरा जी को, कस्तूरी देवी को, इंदिरा जी को होता कौन है पीछे बोलने वाला? अरे कस्तूरी देवी को बोल दिया। शांत हो जाओ, शांति शांति, सब लोग अपना अपना मुंह बंद करके खड़े रहो। बेटा कृष्णा, अरे आप जाइए अप्पा जी। ए किशन का नहीं है। अरे आप जाइए अप्पा जी। अरे नटखट मुरली मनोहर। अरे अप्पा जी आप ऐसा मत कीजिए, मुझे शर्म आती है। अरे ये शर्माना वरमाना बाद में करना, जब सर पर पहाड़ गिरा हो तब इस तरह खामोश बैठने से परेशानी का हल नहीं निकलता बेटा। जो भी फैसला करना है तुम्हें करना है, तुम्हें कस्तूरी चाहिए या इंदिरा चाहिए ये तुझे ही तय करना होगा। चल चल ना। अरे चल ना बेटा, आप आगे चलिए, चल ना जल्दी। छोड़ो, ये मैडम जो है वो आधी पागल है और ये पूरी पागल है। किसके साथ जियो और किसके साथ मरू पता नहीं, क्या किस्मत है। देखिए ये तेरा मेरा करने का जो लफड़ा है ना, ये कोई नई बात नहीं है। सदियों से ये बीमारी हमारे साथ चली आ रही है। अब तक भगवान के घर जाकर ही लोगों को समाधान मिला है। इसलिए अब हमें क्या करना है, सर पर गंगा को बिठाए हुए और अपने बगल में पार्वती को भी बिठाए हुए परमेश्वर के पास जाकर उनसे कोई राय मांगेंगे। तो बोलो ओम नमः शिवाय।